Hello friends, today I am going to start 6th class science book lesson 2 sorting materials into groups third part activity 2 table 2.2 lists some common materials. Table 2.2 mein kuch common materials list kiye gaye hain. You can also add more materials in column 1 that are known to you. आप कॉलम 1 में और मटेरियल्स ऐड भी कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मैन्युअली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2. अब ट्राई कीजिए और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को सोचिए जिन्हें आप जानते हैं. वे जिन मटेरियल से बने हैं उन्हें कॉलम 2 में लिस्ट कीजिए. What do we find from these tables? इन tables से हमने क्या find किया? First, we grouped objects in many different ways. पहले हमने objects को कई different ways में group किया. We then found that objects around us are made of different materials. फिर हमने फाउंड किया कि हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल्स के बने हैं. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल. कभी कभी एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी बना होता है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स. एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से भी बने हो सकते हैं. And then again, one material could be used for making many different objects. और फिर दोबारा एक material का use different materials को भी बनाने में किया जा सकता है. What decides which material should be used for making any given object? क्या decide होता है कौन से material का use किसी दिए गए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए करना चाहिए. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. बताता है कि हमें डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज. हैव यू एवर वंडर्ड Why a tumor is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक tumor cloth के पीस से नहीं बना होता है? Keep in mind that we generally use a tumor to keep a liquid. इस बात का ध्यान रखिए कि हम generally एक tumor का use liquid को रखने के लिए करते हैं. Therefore, Would it not be silly if we were to make a tumor out of cloth? Figure 2.2. What we need for a tumor is glass, plastics, metal or other such material that will hold water. अगर हम tumor को कपड़े से बनाते हैं तो क्या यह बेकूफी नहीं होगी? जो figure 2.2 में दिखाया गया है. ट्यूबर के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? हमें ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल या अन्य ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होगी जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं. सिमिलरली इट वुड नॉट बी विश टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स. यह विश नहीं होगी कि पेपर की तरह मटेरियल्स का यूज़ कुकिंग वेसल्स के लिए करना. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल उसकी प्रॉपर्टीज और पर्पस जिसके लिए उस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है उन पर डिपेंड करता है. So what are all the properties of materials that would be important for their usage? इसलिए materials की सभी properties क्या हैं
जो उनके यूजेज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। दिस इज टेबल 2.2। इफ यू लाइक माई वीडियोज सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।